योर एक्सलेंसी, किर्गिज रिपब्लिक के राष्ट्रपति और मेरे मित्र श्रीमान सुरोनबाय, हुर्मातो कर्गज रेस्पुब्लिकासनिन प्रेसिडेंटे, मेरे प्रतिनिधिमंडल और मेरे कर्मजोशी से, हुर्मातो प्रेसिडेंट, मैं बहुत बहुत बधाई देता अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मजबूत लोकतंत्र और प्रतिभा संपन्न लोगों की वजह से इस देश का भविष्य उज्जवल है। भारत के लोगों के प्रति केवी लोगों की दोस्ती और प्रेम हृदय को छू लेने वाली है। अपने पिछले प्रवास में और इस बार भी मैंने यहां बिल्कुल घर जैसा अपनापन महसूस किया है। एक्सलेंसी, मैं आपको एसईओ समिति की सफल अध्यक्षता पर शुभकामनाएं देता हूं। आपके अध्यक्षता में क्षेत्रीय सहयोग को और बेहतर बनाने में एसईओ ने अनेक कदम उठाए हैं। पिछले महीने नई दिल्ली में मेरे शपथ ग्रहण समारोह को आपने सुशोभित किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज आपके साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत और किर्गिज रिपब्लिक दोनों ही आपसी संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरे राष्ट्रपति जिनबेकोव के साथ अनेक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। हम दोनों ही अनुभव करते हैं कि हमारे बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। इसे हमें अपनी साझेदारी के प्रत्येक क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, दो प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं के रूप में हम एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। भारत और मध्य एशिया के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखे हैं। भारत और किर्गिज रिपब्लिक महाकाव्यों की भूमि है। उदाहरण के लिए भारत में महाभारत और रामचरितमानस और किर्गिज रिपब्लिक में मानस। हम दोनों देश लोकतंत्र और विविधता से भरे हैं। हमारे प्राचीन संबंधों और शांति को बढ़ाने की हमारी साझी भावना ने हमें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा दी। इससे हमारे राजनीतिक संबंधों में भी विस्तार हुआ है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों को के विभिन्न क्षेत्रों पर भारत और किर्गिज रिपब्लिक नियमित रूप से एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से परामर्श करते हैं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर हम समान दृष्टिकोण रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर हमारा सहयोग सुदृढ़ है। सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त युद्धाभ्यास, फील्ड रिसर्च और मिलिट्री टेक्निकल क्षेत्रों में हमारा रक्षा सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के गठन का निर्णय लिया है। हमारे बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देश मिलकर इनका फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच द्विपक्षीय निवेश संधि और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस समझौते हुए हैं। हम दोनों देश व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर भी सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति जी और मैंने बी2बी सहयोग को बढ़ाने के लिए आज इंडिया करगिल विद्या फोरम का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। इस साल बिश्केक में नमस्कार यूरेशिया भारतीय ट्रेड शो का आयोजन भी किया जाएगा। मैं भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहता हूं कि वे किर्गिज रिपब्लिक के निर्माण, रेलवे, हाइड्रो पावर, माइन और इसके जैसे अन्य क्षेत्र के अवसरों का अध्ययन करें। फ्रेंड्स, किर्गिज रिपब्लिक की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए आज मुझे भारत की तरफ से $200 मिलियन की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मैं आशा करता हूं कि भारत के सहयोग से किर्गिज रिपब्लिक में बहुत सी संयुक्त आर्थिक गतिविधियों को
शुरू करने में सहायता मिलेगी। भारत और किर्गिज रिपब्लिक तथा मध्य एशिया के बड़े भूभाग पर बेहतर कनेक्टिविटी से दोनों तरफ के लोगों के बीच व्यापार, निवेश और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और किर्गिज रिपब्लिक ने जनवरी में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित विदेश मंत्रियों के स्तर की फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में सक्रियता से भागीदारी की। हमारे साझा क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण भी है। एक्सेलेंसी, भारत और किर्गिज रिपब्लिक जैसे लोकतांत्रिक और विविधता भरे समाजों को आज आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवाद और कट्टरवाद के समाधान के लिए एकजुट हैं। आतंकवाद के प्रयोजकों को जवाबदार ठहराना होगा। पूरी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। फ्रेंड्स, बिश्केक में इंडिया के लिए ज्वाइंट एक्सपोर्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया है। प्रदर्शनी को उत्साह से देखने वाले लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि भारत और किर्गिज टेक्सटाइल परंपराओं के बीच कितनी समानता है। भारत और किर्गिज रिपब्लिक माउंटेन इकोलॉजी, ग्रीन टूरिज्म और स्नो लेपर्ड के संरक्षण जैसे विषयों पर भी सहयोग करेंगे। हम लोगों के बीच पीपल टू पीपल मैत्री और सांस्कृतिक घनिष्ठता सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं चाहता हूं इसे संजोया जाए। इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2021 को किर्गिज रिपब्लिक और भारत के बीच सांस्कृतिक और मैत्री के वर्ष के रूप में मनाने पर हम सहमत हुए हैं। एक बार फिर से राष्ट्रपति जी आपका धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। आपका भारत का स्वागत कर